विंस्टार ट्रेवल्स जो कानकोना गोवा की गाड़ी है, सावर डैम कानकोना रूट पे गाड़ी चलती है, जैसे आप रूट पे देख सकते हैं। और गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, लाइट्स वगैरह बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे बसेस के रिव्यू ब्लॉग्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस है। तो आज ये गाड़ी का हम रिव्यू करेंगे, क्या क्या लाइट्स क्या क्या बिठा है गाड़ी में वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। यहाँ पे तो देख सकते हैं आप गाड़ी में स्प्लिटेड टाइप ड्यूएल विंडशील्ड आपको मिल जाता है, फॉलोड बाय वाइपर जो यहाँ पर है। यहाँ का वाइपर निकाल दिया है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, रूट प्लेट वगैरह नहीं दिखती, इसलिए ये साइड का वाइपर नहीं डाला क्योंकि ड्राइवर को ये विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाइपर है गाड़ी में। फिर आप देखो तो इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर है गाड़ी को, जहां पर ये देखिए ये बड़ा वाला जो कॉन्वेक्स मिरर है ये पूरा व्यू देता है। फिर यहाँ भी एक कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ भी, दोनों जैसे अपनी कार्स में होते हैं उस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए आप कितने सारे कॉन्वेक्स मिरर है गाड़ी में। फिर ये हैंडल होता है गाड़ी का, अगर हमको शीशा वगैरह क्लीन करना है तो इस पे चढ़ के हम यहाँ पर हाथ रख सकते हैं, इसलिए ये होता है। फिर ये डाला है, ये होता है रिमूवेबल टिन, जो जब गाड़ी छाव में अगर रखनी है या फिर धूप में रखी है और छाव चाहिए तो टेम्परेरी हम इसको कर्टन को फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी लाइट्स है गाड़ी में, यहाँ आप देखो तो बहुत सारी लाइट्स है जो रात को चालू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो ये देखिए आप जो फ्रंट शो है गाड़ी का, यहाँ पर क्रोम में जो बहुत ही बढ़िया दिखता है। हेडलाइट्स आप देखिए, हाई बीम और लो बीम ड्यूअल टाइप हेडलाइट्स दिखते हैं राउंड शेप में, जिसको यहाँ पर डीआरएल से गाड़ी में जो व्हाइट कलर में रात को बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। यहाँ पर अगर आप लाइट्स देखो तो देखिए व्हाइट, येल्लो और रेड तीन कलर में गजब की लाइट। तो स्ट्रिप जैसे हम अपनी कार्स में डालते हैं वैसे गाड़ी में डाली हुई है। फिर सेफ्टी के लिए ये बम्पर ग्रिल है, मतलब गाड़ी को अगर किसी कोई इंपैक्ट होता है, कहीं भी टच होती है तो गाड़ी का पूरा शो डैमेज ना हो, इसलिए ये सेफ्टी के लिए होता है। हर बस में आपको गोवा की हमारी देखने को मिलेगा। फिर यहाँ है गाड़ी की नंबर प्लेट, आप देखिए इस तरह से है। ये एक लाइट है नीचे, आप देखिए रेड और ब्लू डाली हुई जो बहुत ही अच्छी दिखती है। फिर नीचे भी लाइट है, तो बहुत सारी लाइट्स है, यहाँ पर भी लाइट है। तो गाड़ी में अगर आपको दिखाओ ना तो भाई गजब के लाइट्स है और रात में ये बहुत ही खूबसूरत दिखते है। ये अपना टिबेटियन फ्लैग जो होता है बहुत सारी बसेस में डालता है, बहुत ही बढ़िया दिखता है, ये भी यहाँ पे डाला हुआ है। तो इंस्टा आईडी आप देखिए यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको गाड़ी के और रील्स वीडियो पिक्स चाहिए तो ये अकाउंट को फॉलो कीजिए। फिर आपको साइड से मैं गाड़ी दिखाता हूँ, तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर है, देखिए प्रॉक्सिमिटी मिरर है यहाँ पे, जो ड्राइविंग पोजिशन से ये वाला जो व्यू है वो डायरेक्ट वहां से दिखा देता है, मतलब गाड़ी कहीं कंजेस्टेड एरिया से अगर निकालनी है तो ये दिख जाता है। फिर ये वाला जो कॉन्वेक्स मिरर है ये भी ये साइड की विजिबिलिटी देता है और ये पूरी गाड़ी की विजिबिलिटी देता है। यहाँ पर रेडियम स्ट्रिप है रिफ्लेक्टिव, ये गाड़ी का टाइमिंग है, जय श्री राम लिखा हुआ है, द बॉयज विच इज ऑलरेडी ट्रेंडिंग बहुत सारी बसेस में डाला हुआ है। ये हैंडल है जिससे आप गाड़ी में अंदर चढ़ सकते हैं। फिर ये फुटस्टेप है जिससे पैर रख के हम गाड़ी में चढ़ सकते हैं। साइड मार्कर लैंप्स भी है गाड़ी में यहाँ पे। फिर यहाँ आप देखिए ये हम उसको खोल सकते हैं। फिर ये बस जो गोवा गवर्नमेंट की माजी बस कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर चलती है, तो ये यहाँ पर बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। पीछे आपको बोलूँ तो दो दो टायर्स होते हैं, आगे एक एक टायर होता है गाड़ी में। यहाँ पे है गाड़ी की नंबर प्लेट, तो यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये स्प्लिटिंग टाइप विंडोज होते हैं, इनको हम खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं। फिर ये जो रहता है ये पैक वेंटिलेशन रहता है, ये है गाड़ी की टर्न लाइट्स और दूध सागर लिखा हुआ है। ऊपर होता है कैरियर जहाँ पर हम गाड़ी का स्पेयर व्हील वगैरह रखते हैं दोस्तों गाड़ी में, और नंबर प्लेट यहाँ पे है गाड़ी में। ये सेफ्टी के लिए होता है ताकि कोई हाथ या फिर सिर वगैरह बाहर ना डाले पैसेंजर, इसलिए ये होता है हैंडल, इसको पकड़ के हम गाड़ी में चढ़ेंगे। इंटीरियर भी दिखाता हूँ आपको, पहले एक्सटीरियर दिखाता हूँ गाड़ी का। बात करें रियर प्रोफाइल की, यहाँ पर देखिए आप स्पाइडरमैन जो गाड़ी में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पर भी जो टिबेटन फ्लैग है वो है गाड़ी में। फिर ये ग्रिल है जिसपे पैर रख के हम ऊपर चढ़ेंगे, ये सेफ्टी के लिए है, मतलब पीछे कोई इंपैक्ट हुआ तो ग्लास गाड़ी का डैमेज ना हो, इसलिए ग्रिल्स रहती है। फिर विंस्टार जो गाड़ी का ब्रांड है मैंने बोला आपको वो है। पीछे की टेल लाइट्स आप देखिए, यहाँ पर लिटिल बिट स्मोक किया है यहाँ पर स्पोर्टी लुक देने के लिए थोड़ा सा। पीछे देखिए आप, यहाँ पर भी तीन लाइट्स कॉम्बिनेशन है। पीछे देखिए आप सिल्वर कलर यहाँ पर बम्पर दिया है, मतलब किया है, कस्टमाइज किया है सब गाड़ी को। ये कैरियर है, इसके अंदर भी हम सामान रख सकते हैं, इसको हम खोल सकते हैं। पीछे यहाँ पर इस तरह से लाइट रहती है और ब्रदर्स लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, पुमा का यहाँ पर स्टिकर है, यहाँ पर भी दूध सागर। और ये साइड आप देखिए गाड़ी की व्हील कवर्स देखिए आप, जो गाड़ी का कलर है उसके हिसाब से व्हाइट और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में किया हुआ है। यहाँ पर भी मार्कर लाइट्स, फ्यूल यहाँ पर से डालते हैं हम गाड़ी में। और ये देखिए, तो ये साइड में ऐसी है गाड़ी। इमरजेंसी एग्जिट का जो कंपार्टमेंट है, मतलब गाड़ी में कुछ आपातकालीन सिचुएशन आए और गाड़ी से एग्जिट करना है, वो साइड में नहीं हो सकता तो यह साइड से एग्जिट कर सकते। तो ये वाला दरवाजा कुछ गाड़ियों में पीछे होता है, कुछ गाड़ियों में आगे होता है।
तो ये है ड्राइविंग साइड वाला डोर जो खोलने के बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए तो ABC पेडल्स, एक्सलेटर, ब्रेक, क्लच, गाड़ी में इस तरह से थोड़ी सी जगह रहती है। ये है ड्राइविंग वाला सीट, ओपेल का सीट आप देखिए, ओपेल गाड़ी अपने को पता रहेगी शायद। और हेडरेस्ट के साथ जो एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर एक कंपार्टमेंट है, ऊपर म्यूजिक प्लेयर है गाड़ी में, यहाँ है फैन गाड़ी में, और स्टेयरिंग व्हील आप देखिए किस तरह से। तो यहाँ पर बॉटल होल्डर डाला हुआ है, बॉटल खोल हम डाल सकते हैं, इसको हम खोल सकते हैं, ये है इसको पकड़ के हम दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, इसको हम खोल सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर चढ़ेंगे इस तरह से, पैर रख के हम गाड़ी में चढ़ सकते हैं। तो गाड़ी में चढ़ने के बाद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए ये वाला है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पर ये रखिए स्पीडोमीटर है गाड़ी का, किलोमीटर से यहाँ पर पता चलता है, टेम्परेचर पता चलता है, एयर कितना है वो पता चलती है दोनों साइड की, फ्यूल पता चलता है। यहाँ पर बाकी सारे जो लाइट्स है वो गाड़ी में आपको पता चलेंगे, हॉर्न एडिशनल जो डाले हुए हॉर्न्स, बाद में ब्रेक फ्लूइड जो कुछ है वो पता चलेगा यहाँ पर। और स्टेयरिंग व्हील आप देखिए टाटा का, यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स, लाइट के कंट्रोल्स। गियर की बात करें तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, जहाँ पर 5 front और 1 reverse टोटल 6 gears है गाड़ी को। ये है हैंड ब्रेक गाड़ी का। फिर गाड़ी में जो है स्पीड गवर्नेंस लगा रहता है, मतलब ये गाड़ियां जो होती है कमर्शियल में बोलूंगा, येलो नंबर प्लेट वाली सभी, चाहे वो टैक्सी, बस, कौन सी भी गाड़ी, 80 के ऊपर नहीं जाएगी तो स्पीड गवर्नेंस होता है गाड़ी में। स्पीड यहाँ पर एक ब्रैकेट है, यहाँ पर देखिए आप चार्जिंग वगैरह मोबाइल वगैरह लगा सकते हैं। फिर ये आर्टिफिशियल लॉन जैसे बहुत सारी गाड़ियों में डालते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखता है ये डाला हुआ है यहाँ पे गाड़ी में। फिर ये देखिए अपने टॉय बसेस बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, ये देखिए इसमें हम अगरबत्ती डाल सकते हैं लगा के। और ये देखिए बसेस वेस्पा वगैरह बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। ये है रूट प्लेट गाड़ी की, और अंदर से देखिए आप गाड़ी, ये वाला म्यूजिक प्लेयर, भगवान के आइडियाज लगे हुए, हार वगैरह डाले हुए हैं यहाँ पर, तो ये फैन है। और अंदर देखिए यहाँ पर लाइट्स है, ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, ये देखिए सनमाइका वगैरह। तो ये सीट है जिसपे कैबिन में बैठ सकते हैं, इस पर भी बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से है गाड़ी, और ड्राइविंग पोजिशन आप देखिए किस तरह से। तो यहाँ पर बहुत कुछ है गाड़ी में दोस्तों, और स्पेसियस है कैबिन वगैरह। तो ऐसे इस तरह से दरवाजे को बंद करना है, और ये है दरवाज़ा, ठीक है, ये दरवाज़ा हम खोल सकते हैं। और अंदर की एरिया देखिए, तो पैसेंजर एरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की किस तरह से, ये देखिए। और ये है कॉन्वेक्स मिरर, जैसे अपनी कार में होता है वैसे यहाँ पर डाला हुआ है, और मल्लिकार्जुन प्रसन्न यहाँ पर आइडियल है भगवान का, आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह इसको चालू है, जैसे कॉमनली बहुत सारी बसेस में होती है। और यहाँ पर स्विच बोर्ड है, जहाँ से सब जो गाड़ी के जो एडिशनल जो लाइट्स वगैरह आपने देखे ना, सब यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पैसेंजर एरिया में जाएंगे और देखेंगे किस तरह से क्या है। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए तो कॉन्वेक्स मिरर से देखिए पूरा व्यू गाड़ी का यहाँ से आ जाता है। तो जाएंगे गाड़ी के अंदर और देखेंगे किस तरह से है। तो यहाँ पर ऐसे पैर रख के हम इस पे पैर रख के गाड़ी में चढ़ सकते हैं, ऐसे दो स्टेप से गाड़ी में। तो ये है जो कंपार्टमेंट, मतलब ये दरवाजा है जो कैबिन एरिया और अपनी पैसेंजर को सेपरेट करता है। और ये आपने देखा रहेगा बहुत सारी अपनी कदम बसेस भी, अपनी रूट वाली वो भी बसेस, और मुंबई लोकल में अगर होता है भाई जो खड़ा रहता है उनको पकड़ने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे यहाँ पर दिया हुआ है, तो ज़्यादा भीड़ वगैरह आप इसको पकड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर स्पीकर है, ये कंपार्टमेंट जिसमें हम बैग्स, अपना स्टोरेज का सामान डाल सकते हैं, यहाँ पर भी एक स्पीकर है, मतलब ये साइड एक स्पीकर और ये साइड एक स्पीकर, दो स्पीकर है गाड़ी में, और इन पे हाथ रख सकते हैं, ये सेफ्टी के लिए होता है, ये देखिए इनको भी पकड़ सकते हैं हम। और पीछे की सीट की बात करें तो यहाँ पर 6 बंदे बैठ सकते हैं, जैसे यहाँ 3 और यहाँ 3, टोटल 6 बंदे। यहाँ पर 2x2 की सीटिंग लेआउट है गाड़ी में, और ये देखिए इसके नीचे अपना पीछे वाला टायर है। और आपको बताऊँ तो बहुत सारे अंदर भी लाइट्स मिलेंगी, जैसे यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट्स है। फिर जो मैंने आपको बोला था जो इमरजेंसी एग्जिट के लिए जो दरवाजा है वो ये वाला है, जैसे कि ये देखिए ये हम ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है, इसको चाहिए तो हम खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ये हुआ लेडीज़ ओनली ऐसे सीट्स रिजर्व रखने पड़ते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, फिजिकली हैंडीकैप। और ये होता है हैंडल, तो यहाँ जो बैठता है वो यहाँ ऐसे पकड़ सकते हैं, और ये एरिया कैबिन को सेपरेट करता है। फिर ये देखिए इंस्टा आईडीज़ यहाँ पर ब्रदर्स डाला हुआ है, नो स्मोकिंग, नो स्पिटिंग, नो ये स्टैंडिंग वगैरह कितना है वो लिखा हुआ है। फिर ओनर के नंबर्स वगैरह है, कुछ है गाड़ी वगैरह चाहिए आपको कुछ ओकेजन पे वगैरह तो आप ये कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। फिर ये देखिए लाइट्स वगैरह बहुत ही बढ़िया लाइट्स यहाँ पे, और फ्लोर देखिए किस तरह से है। तो और नी रूम आपको दिखाऊँ तो ये देखिए नी रूम है, ओके इनफ मैं बोलूँगा यहाँ पे, सफिशेंट इनफ, ज़्यादा भी ऐसा नहीं है लेकिन ओके है। तो इस तरह से ये गाड़ी, और यहाँ से देखिए केबिन एरिया जो मैंने दिखाया था वो इस तरह से यहाँ से दिख जाता है, और ये दरवाजा ऐसे हम अंदर से खोल सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये गाड़ी मुझे बोल सकते हैं, वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर अगर आप कानकोना साइड वगैरह जाते हैं, कानकोना सावर डैम भाई, अपनी बाइक की गाड़ी में ज़रूर ट्रेवल करना। और अगर आपने ये वीडियो वगैरह देखा है तो उनको ज़रूर पता रहना कि भाई ऋतुराज 97 चैनल पर आपने व्लॉग देखा है। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, थैंक यू।